बास्केटबॉल, लॉन टेनिस और वॉलीबॉल। सो मैं वॉलीबॉल टीम का मैं भी मेंबर हूँ, एक टीम मेंबर एंड मैनेजर ऑल्सो। सो देखते हैं क्या होता है। So this is Karnataka versus Himachal. Karnataka is in the red corner and this one Himachal is the blue corner. Karnataka has won the match and actually the whole tournament. So हमारा गेम खत्म होने के बाद हम लोग ईशा योगा सेंटर में गए। वहां पर एक्चुअली सदगुरु का आश्रम है, वहां पर आदि योगी बनाया हुआ है। आदि योगी एक्चुअली शिव जी का बहुत बड़ा मूर्ति बनाया हुआ है उधर।
सो अभी हम लोग ईशा योगा सेंटर में अंदर है। अभी आदि योगी देखने के लिए जा रहे हैं, जो शिव जी का सर का मतलब बहुत बड़ा मूर्ति बनाया हुआ है। सो देखने के लिए एक्चुअली सतगुरु का आश्रम है एक्चुअली। सो हम लोग ये दो साइड है एक्चुअली, एक साइड में ये शिव जी का जो है आदि योगी और दूसरा साइड में पता नहीं क्या है, अभी देखेंगे। लेकिन उस साइड में मोबाइल लेने जाना लेके जाना वो अलाउड नहीं है, तो अभी जो है देखते हैं। पहुँच गए यहाँ पर। सो ये बैक साइड से है आदि योगी का जो मूर्ति लगा हुआ है, तो सामने से देखते हैं कैसा है। ये कितना सुंदर है, नाइस। पहुंच गए आदि योगी में। आप देख सकते हैं शिव जी का कितना बड़ा स्टैचू बना हुआ है। तो यहाँ पर प्रेयर भी हो रहा है, अंदर पूजा भी हो रहा होगा। देखिए कितना सुंदर जगह है। सो ये प्ले अप्स है, सो फाइनल मतलब थर्ड पोजीशन के लिए मैच। और रेड कॉर्नर पे राजस्थान है और ब्लू कॉर्नर में हिमाचल है। सो द विनर इज राजस्थान, दे वोन द थर्ड पोजीशन। Rajasthan. शॉर्ट मारे ना स्कोर 2-1 3-1
सो दिस इज आसाम वर्सेस तमिलनाडु. तो रेड कॉर्नर पे आसाम है और येलो कॉर्नर पे तमिलनाडु है. सो हम लोग तमिलनाडु से हार गए, एक्चुअली होल टूर्नामेंट हार गए. फिर भी हम लोगों ने काफ़ी टक्कर दिया था उन लोगों को. एक्चुअली हम लोगों का प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं था, हम लोगों ने प्रैक्टिस सिर्फ 4 दिन का किया था. सो नेक्स्ट ईयर हम लोग सोच रहे हैं काफ़ी प्रैक्टिस करके जाए नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए. सो ये सब गेम्स खत्म होने के बाद हम लोग को पार्टी दिया था. सो हम लोग जीत नहीं पाए, फिर पार्टी के लिए जीतना ज़रूरी थोड़े, तो हम लोग सब टीम एक साथ एंजॉय कर रहे थे.